हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके मेरे चैनल टेक्निकल भानु। तो दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सबके मोबाइल पर तो क्लॉक है ही, तो आप सब अपने मोबाइल की जो क्लॉक है क्लॉक से क्या करते हो, सिर्फ समय देते हो और क्या करते हो, और तो कुछ भी नहीं करते हो। और आप सब अभी सोच रहे हो कि यार ये बंदे तो पागल है, हम सब अपने मोबाइल की जो क्लॉक है क्लॉक से क्या करेंगे, सिर्फ समय ही तो देखेंगे और क्या करेंगे, और तो कुछ भी कर भी नहीं सकते। लेकिन ये सोच गलत है, मैंने भी यही सोचा था। मतलब कि आज की इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक दिखने वाला हूं, जिस ट्रिक को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप अपने मोबाइल की जो क्लॉक है क्लॉक पर आप किसी भी फाइल्स को हाइड कर सकते हो, जैसे कि फोटो या फिर वीडियो, आप जिस भी फाइल्स को हाइड करना चाहते हो हाइड कर सकते हो। तो अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करना चाहते हो या फिर इस ट्रिक के बारे में जानना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी पक्का दबा दीजिए, ताकि आप देख सकें मेरे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा डेसा, फिर यहाँ पर आपको टाइम सेट करना है, यानी कि आप यहाँ पर जिस भी टाइम को सेट करेंगे वही आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फटाफट से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं 12:07 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर इस जगह पर टैप कर देना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फिर कॉन्फर्म कर लेना है, फिर उसके बाद आपको इस जगह पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा एड्रेस का, फिर आपको यहाँ पर एक रिकवरी ईमेल दे देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो टिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा एड्रेस आएगा, फिर आपको यहाँ पर डन पे टैप कर देना है। डन पे टैप करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा एड्रेस आएगा, फिर आप यहाँ पर कोई भी अगर फाइल को हाइड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस जगह पे टैप कर देना है। और यहाँ पर ऑडियो हाइड करना चाहते हो या फिर वीडियो या फिर इमेज, तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक इमेज हाइड करके दिखा देता हूँ, तो उसके लिए आपको इस जगह पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद फिर आपके सामने असाइनमेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप जिस भी इमेज को हाइड करना चाहते हो तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक इमेज को ले लेता हूँ, तो इमेजेस के लेने के बाद फिर आपके सामने असाइनमेंट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर फोल्डर भी बना सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर पिक्चर पे टैप कर देता हूँ वही फोल्डर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ओके कर देना है, फिर आपका जो फोटो है वो आपका मोबाइल से हाइड हो गया, आप मेमोरी में भी नहीं है और साथ ही आपका जो स्टोरेज मेमोरी है वहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना है, मे वी लेटर पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरेस्ट आएगा, फिर यहाँ पर आप देख सकते यहाँ पर फोटो आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो इस फोटो को अनहाइड करना तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको इस फोटो पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको अब टैप कर देना है और एक बार फोटो पे। फिर उसके बाद राइट साइड में जो यहाँ पर तीन आइकन है इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अनहाइड कर देना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर येस कर देना है। फिर उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर यहाँ पर आप कहाँ पर चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टोरेज पर चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पर डन पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा एड्रेस आएगा, फिर ये जो फोटो है ये अनहाइड हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों है ना कमाल का ट्रिक, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपका इस एप्लीकेशन पर ऐसा कुछ है या फिर कुछ फोटो है या फिर वीडियो है, क्योंकि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है क्लॉक। और कोई अगर इसको ओपन कर लेते तो ओपन करने के बाद उसको समझ में भी नहीं आएगा कि इस एप्लीकेशन के अंदर ऐसा कुछ है। मतलब कि यहाँ पर तो उसको यहाँ पर यही लगेगा कि ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर सिर्फ टाइम ही देख सकते और तो कुछ भी नहीं देख सकते। और अगर आप भी फिर से ओपन करना चाहते हो और अपने फाइल को यहाँ पर देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या कर देना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस जगह पर टैप कर देना है, ठीक है। तो टैप करने के बाद फिर आपको यहाँ पर टाइम दे देना है, जितना आपका लॉग है तो उतना आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है। जैसे कि मेरा जो टाइम है या फिर जो लॉग है पासवर्ड है वो है 12:07, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इस जगह पे टैप कर देना है, फिर यहाँ पर पूरी तरह की खुल जाएगा या फिर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर उसके बाद आपको यहाँ पर परमिशन भी दे देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर परमिशन दे देता हूँ। तो परमिशन देने के बाद फिर आपको यहाँ पर बैक कर देना है। तो बैक करने के बाद तो आपके सामने ऐसा एंटर है। और दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है किसी को पता भी नहीं चलेगा यार, एकदम लाजवाब ट्रिक है, क्योंकि इसके अंदर जो खुफिया या फिर राज है वो तो सिर्फ आपको ही पता है। तो दोस्तों है ना कमाल का ट्रिक। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर मन में कोई सवाल है तो कॉमेंट कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।